और यहाँ पे मेरे गिरते ही ना भाई गलत सीन चालू हो जाते हैं। मतलब उसको तो भैया फुटपाथ की तरह कुचल के पेल दिया जाता है और मैं वो देखने के चक्कर में नीचे गिर जाता हूँ। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक, बैक द वेलकम, और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू पबजी दो मोबाइल गेम प्ले वीडियो में, जो कि भैया फिलहाल तो डुओ वर्सेस स्क्वाड चल रहा है, लेकिन यार गलत सीन होते और पेटी बनते टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी पबजी में। तो हाँ, बाद में जाके तुम्हारा भाई अकेले फंस जाएगा, वो भी गलत ही जगहों पर, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेंगे। खैर फिलहाल अपन नोवो आ रखे हैं ना, गन के नाम पर कद्दू कुछ नहीं मिला था मुझे, अब जाके शॉट गन और टोमी मिली है, और इतने में ही आगे फुटी स्टेप भी आ रहे हैं दबा के। और यहां पे मैंने थोड़ी शॉटगन क्या पटका दी, भाई ने भगना शुरू कर दिया, और ये भाई शॉटगन चला रहे थे तो मैंने बोला यार मैं भी चला के देखता हूं कैसा है। और इस टीम के ये दो बंदे न जाने पीछे से कैसे आ जाते हैं, ठीक है? मतलब जहां तक मुझे पता है मैं उस साइड उतरा था, मैंने लूटा, गन के नाम पे कद्दू कुछ नहीं मिली, तब मैं इस साइड पे आया। मतलब ये दो बंदे कहीं और ही उतरे थे वहां से, लेकिन फ्लैंक मार के पीछे से आ रहे थे। बहुत ही बढ़िया, वो तो फुटी स्टेप आ गए और पेटियां बना दी टाइम पे। और यार शॉटगन क्या ही चली, मतलब मजा टैप आ गया। ठीक है, बंदा आता है, बंदे के हाथ में M4 होती है मेरे ख्याल से, मैंने भैया सकोप खोल रखा है, वो भी बोल रहा होगा कि यार गलत छिनोगे, गलत जगह पे घुस गया, मैं स्कोप खोल के बैठा था ये बंदा। खैर आगे अभी बाकी बंदों के भी फुट स्टेप दबा दबा के आ रहे हैं, तो इनको भी पेलना पड़ेगा यहां पे। और यहां पे अगर बंदा ठिल जाता तो इसे प्री फायर कहते हैं ना, लेकिन यार बंदा पीछे की तरफ ही कट लिया सामने आके, तो इसे सिर्फ और सिर्फ गोली की बर्बादी कहेंगे। मतलब गिनी चुनी मेरे पे गोलियां पड़ी हैं और वो भी बर्बाद कर दी मैंने। और हमारे ये भाई महंगे कपड़े पहन के ऊपर से आने की कोशिश करते हैं, है ना? और यार वो डीपी वाला बंदा जो लेफ्ट से आया भाई, वो ठिलके नहीं दिया। मतलब इतनी सारी गोली मैंने पेली उसे M4 की, उसके बाद टोमी की भी गोली पेलनी पड़ी। खैर उसके बाद ये महंगे कपड़े वाले भाई नंगे पुंगे हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है? क्यों मुझे नहीं पता, सिर्फ इसका एक ही मतलब हो सकता है कि यार कोई है नहीं इनका अब यहाँ पे बचा हुआ टीममेट। तो करना क्या था, थोड़ी देर बात करने की कोशिश की कि क्या पता हमें पता चल जाए कि इसके बाकी टीममेट किधर है, लेकिन भाई ने माइक खोल के नहीं दिया, बस कपड़े फेंक दिए जमीन पे। खैर उस भाई के कपड़े और लूट लाट लूटने के बाद हम मिल्टा की तरफ आते हैं, क्योंकि देखो नया सीजन है तो यार बंदे मिल्टा दबा दबा के पहुंचे होते हैं, और यहां पहुंच के यार आगे बंदे दिख भी जाते हैं हमें, तो पेटी बनाने जा रहा हूं मैं। और ये बंदा न जाने कौन से गत्ते फूक के खेल रहा था, ठीक है भाई, कभी इस पार आ रहे खिड़की से, कभी उस पार जा रहे हैं। और यार जो भी मैं ये सस्ते नेट करता हूँ ना, उनसे मुझे एक सीख मिली है, ठीक है भैया, नेट फटे या ना फटे, नेट से बंदा ठिले या ना ठिले, नेट फेंकने के बाद सकोप जरूर खोल लेना, क्योंकि क्या होता है भैया जैसी नेट आता है ना, भले ही वो फटे ना फटे, बंदा बिल्कुल घबरा सा जाता है, इधर उधर हिलने लगता है, और अगर आपने सकोप खुला रख रखा है तो यार जैसी वो भाई इधर उधर करेगा आप उसकी सीधा पेटी बना सकते हो। तो यहाँ पे मुझे पता था मेरा नेट कद्दू भी नहीं फटेगा, तो मैंने सकोप खोल लिया था, और नेट की आवाज सुन के भाई लेफ्ट में आते हैं और भाई को नॉक कर दिया गया अभी यहीं पे। और पहले मुझे लगा था यार इस बंदे का भी कोई टीममेट नहीं होगा यहां पे, लेकिन मैं गलत था, कोई सकारिल चला रहा है।
और यार इस बंदे के लिए मुझे बहुत ही बुरा लगा। ठीक है, मतलब भाई को दिन दुनिया का पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। मैं पीछे आ चुका हूँ गोलियां पेलना कूद के, भाई आगे की तरफ फायरिंग कर रहे हैं न जाने किस पे। खैर जो भी था यार सही था, मतलब अपने को किल मिल गई, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे यार मिल्टा मिल्टा पावर में इतने दबा दबा के बंदे जाते हैं कि क्या ही बताऊं। खैर यहां से हम निकलते हैं और आगे जाके और भी गलत सीन करेंगे, लेकिन उससे पहले धड़ पेड़ बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की। तो यार इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है 1xBet, और इसकी मदद से आप कई सारे स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और ई स्पोर्ट्स पे भी बेट लगा सकते हो और अपनी प्रिडिक्शन स्किल्स के थ्रू पैसे अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको बोनस भी मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो कि कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा। और इसे पैसे विड्रॉ करना भी बहुत आसान है, आप पेटीएम, पेपाल, गूगल पे और किसी से भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो हाँ यार अगर आपको इस सब चीज़ का शौक है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। याद रखना इस चीज़ में रिस्क रुसक होता है, तो जो भी करोगे भैया सोच समझ के करना, और इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में दी होगी। तो हाँ यार अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो, लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। और उसी के साथ मैं इस जगह पे आ गया हूँ और यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ बंदों को पेलने की, है ना। और यार बॉट फायरिंग दे रहा था लेकिन यार उनको भी पता है कि बॉट नहीं यहाँ बंदे बैठे पड़े हैं। और यहाँ पे पता नहीं क्यों लेकिन यार मुझे 6x नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, मतलब काफी बंदे पेल दिए, नोवो लूट लिया, मिल्टा लूट लिया, लेकिन सकोप के नाम पे 4x पड़ा है मेरे पे, जो कि बढ़िया सकोप है लेकिन यार मेरे से चलाया नहीं जाता बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं सीन क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ भैया ये तो चलाया नहीं जाएगा हमसे, तो मैं अपने टीममेट से भैया ले लेता हूँ खार 98 के, है ना। अब बस इंतजार है कि यार वो एक बार पीक करे तमीज से और मैं गलती से हेडशॉट चिपका दूं उनके। लेकिन यार काफी इंतजार के बाद आखिरकार एक बंदा मुंह दिखाता है अपना, और यार ये लोग भी बोल रहे हैं उनके कि भाई कैसे अभी तक तो ये बंदा DP 28 पटका रहा था भैया, लाल हेलमेट सब कुछ, अजीब से कपड़ों वाला बंदा, भाई इस पे कार 98 कहाँ से आ गई, है ना। मतलब यार देखो तीन तीन गने चला रहा हूं मैं एक टाइम पे, पहले DP पटकाई, AKM से भी अभी पेलेंगे इनको, और यार कार 98 से नॉक कर दिया है। तो देखो बंदा नॉक था, अब दो बंदे हो, आठ बंदे हो, रस तो करना बनता ही है ना। तो गाड़ी ठोकता हूँ मैं, बस देख रहा हूँ कि यार कहाँ से आएंगे ये लोग, क्योंकि देखो रिवाइव हो चुका है तो अंधा ऊपर रस करना बेकूफी हो जाएगी, तो ये लोग नीचे पे रस कर देते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया बात ये हो गई कि यार मैं रिवाइव देने नहीं बैठा, है ना, क्योंकि अगर मैं रिवाइव देने बैठता तो वो बंदा वो जलती बोतल पे आग फेंकने ही वाला था। मैं बोलता हूँ ऐसी तैसी रस करो इस पे, और किस्मत सही थी जब मैं रस कर रहा होता हूँ भाई तभी निकालता है जलती बोतल में आग। और यार अगर मैं रस नहीं करता ना तो यार मेरे ख्याल से दोनों ठिल जाते, हमारे भाई की जल के पेटी बनती और मेरी हेल्थ ऐसी कम हो जाती मोली से और मैं ठिल जाता। खैर यहाँ पे जब मैंने रस किया था मुझे लगा यार दो ही बंदे होंगे गिने चुने, है ना, क्योंकि जब मैं वहां पे घंटों खड़ा था दो ही बंदे दिख रहे थे बार बार। यहाँ पे आके पता चलता है कि यार तीन बंदे तो यहीं पे हैं और इनका आखिरी बंदा न जाने कहाँ पर है। ठीक है, अब या तो वो इधर ही कहीं पे सांप बनाए, जो कि यार मैं पता बिल्कुल लगाना ही नहीं चाहता, क्योंकि देखो अभी क्लच कुलच कर दिए हैं, अच्छे खासे किल हो गए हैं यार, अभी गलत सीन करूंगा सांप का चक्कर, मौत से टक्कर करूंगा तो पेटी कभी भी बन सकती है। तो यहाँ पे मैं लूट लेता अंधा बिल्कुल, है ना, अपनी DP वापस ले लेते हैं हम, क्योंकि यार टाइम टू टाइम चलाना पड़ता है कार 98 वगैरह। और यहां से हम जा रहे होते हैं ब्रिज की साइड, है ना, क्योंकि यार जोन उस साइड को ही बन रहा है इस मैच में, और हाँ सोलो स्क्वाड बहुत ही जल्द होने वाला है, टेंशन मत लो। खैर यहां पे मैं ब्रिज की साइड जा ही रहा होता हूं कि मुझे ये बारन हाउस में गाड़ी ठुकी हुई मिलती है, और यार गाड़ी ठुकी है तो यार बंदे होंगे ही होंगे, मतलब कुछ बंदे गाड़ी छोड़ के भी भाग लेते हैं लेकिन हाँ इस बार बंदे बैठे होते हैं यहां। एक लेफ्ट चार है, एक
और ये वाला बंदा जिसकी अभी पेटी बनने वाली है ना यार, ये अलग ही लेवल पे था भाई। ठीक है भाई, अच्छा खासा बारन हाउस में टॉप में बैठे थे बिल्कुल। भाई क्या करते हैं, छलांग मारते वहां से, गाड़ी के पीछे भी नहीं रुकता वो बंदा, वो गाड़ी के बगल में आके सांप बन के स्प्रे देता है। मतलब यार ये तो बिल्कुल अजीब टाइप का ड्रॉप शॉट था। अरे मैंने देखा है भैया, मुंह के सामने लेट जाते बंदे, यार ये तो गाड़ी के बगल में आके दूर कहीं पे लेट रहा है। तो देखो सांप बन चुके हो आप और आपका सामने वाला बंदा टीपी पी ले रहा है, तो ज्यादातर टाइम आप ही की पीटी बनेगी। अगर आप बहुत ही ज्यादा ही फुर्तीले हो, मतलब यार बिल्कुल सकोप खोल के पेल दोगे आप उसके सामने आता ही, तो अलग बात है। लेकिन हाँ यार, टीपीपी को हराने में दिक्कत बहुत होती है, और इनका एक आखिरी बंदा बाकी है। बढ़िया और ये रिकॉर्डिंग के भी अपने ही नशे हैं, मतलब बम फटने की आवाज नहीं आई। और हमारी यहाँ फाइट के चक्कर में ये बंदा कल्टी हो लेता है बिल्कुल तेजी में। हाँ मतलब बाइक पे सकिन वाली गाड़ी होती है भैया, पूरी चौड़ में भगा रहा है बंदा। डैमेज थोड़ा सा दिया था मैंने, लेकिन यार नॉक नहीं हो पाया। अब देखो दिक्कत क्या हो गई है, जिस हिसाब से वो गाड़ी भगा रहा है ना, मुझे 100 110% पता है वो ब्रिज की साइड जा रहा है। क्योंकि देखो जोन है नहीं यहाँ पे, वो तो अलग बात है, हम डीट है तो अभी भी लूट रहे। लेकिन हाँ, अब भाई ने लगाया होगा ब्रिज कैंप, क्योंकि देखो वो सीधा ब्रिज पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि यार किसी और ने भी कैंप लगाया होगा आगे पे, है ना। तो भाई क्या करते हैं, भाई पीछे पे कैंप लगा देते हैं। तो मुझे लग ही रहा था, तो मैं बोलता हूँ क्यों ना यार देख लिया जाए कि सीन शॉट चल क्या रहा है ब्रिज में। तो मैं यहाँ पे गाड़ी रोकता हूँ, ऊपर चढ़ूंगा यहाँ टावर टूवर के, फिर स्कोप खोल के देखते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे आखिर। भर दूँ या इसमें? और जैसे ही मैं स्कोप खोलता हूँ ना भाई, मुझे क्या दिखता है, मैं ये देख पाता हूँ कि यार बंदा गाड़ी को एडजस्ट कर रहा है। मतलब भाई ने पूरी तैयारी कर दी कि भैया आज तो इधर पे कैंप लगेगा, और देखो वो वहां पे रुक गया। इसका एक ही मतलब है कि यार आगे किसी और ने ब्रिज कैंप पक्का करके रखा होगा। और यार इस एकेएम के सस्ते सपरे के लिए लाइक मिलना मत भूलना, है ना। तुम्हारे भाई को पता है यहाँ ब्रिज कैंप है, मैंने अब भी देखा कि बंदा यहाँ पे रुका है, तो क्या करना चाहिए था, मुझे लेनी चाहिए थी बोट और जून में निकलना चाहिए था। लेकिन मैं हूँ बहुत ही ज्यादा ढीठ, मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि यार ब्रिज कैंप लगा है, ये नहीं कि भैया कहीं और से जाऊं, नहीं भाई चलो ब्रिज कैंप पे ही फाइट लेंगे। तो इस बंदे को पेल लिया, ये अकेला भाई था इसलिए भैया पूरी जान लगा के भाई गाड़ी चला रहे थे। अब बारी है उन्हें रोकने की जो आगे पे कैंप करके बैठे होंगे, है ना। क्योंकि देखो यार ये बंदा रुका था, कुछ तो वजह होगी यहां रुकने की, क्योंकि मुझे नहीं लगता अकेला बंदा ब्रिज कैंप करना चाहेगा, तो भाई मजबूरी पे रुके थे। तो यहां पे सीन क्या होता है, मैं इस साइड इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे नीचे से किसी के तैरने की आवाज आ रही होती है, और टेंशन मतलब यार क्योंकि तुम्हारे भाई को भी तैरना पड़ेगा। हां सही समझे, गलत सीन हो जाएंगे यहां पे भी। और यहाँ पे इन लोगों की पूरी टोली ने कैंप बिछा रखा है, ठीक है, एक नहीं भैया चार चार बंदे बैठे पड़े। तो यार जितना भी डंका स्प्रे दे लूँ मैं, एकेएम का दे लूँ, डीपी से दे लूँ, यार पार नहीं कर पाऊंगा वो ब्रिज कैंप, दिक्कत होगी बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नंगे भुक्कू की तरह दोबारा से स्नाइपर मांगता हूँ, और इस बार M24 मिलती है, ठीक है। मतलब बढ़ता जा रहा है लेवल, पहले कार 98 था, अब M24, क्या पता अगली बार AWM मिल जाए। वैसे नहीं मिलेगी क्योंकि यार भाई के साथ ही गलत सीन हो जाएंगे। खैर यहाँ पे मैं स्मोक में एडजस्ट करने की नाकाम कोशिश करता हूँ, और उतने में ही एक बंदा लेटा हुआ दिखता है मुझे, तो मैं उसे पीलने की कोशिश करता हूँ सबसे पहले। और यहां पे मेरे गिरते ही ना भाई गलत सीन चालू हो जाते हैं, मतलब उसको तो भैया फुटपाथ की तरह कुचल के पेल दिया जाता है, और मैं वो देखने के चक्कर में नीचे गिर जाता हूं।
और यार जैसा कि मैंने बोला ही था कि भाई इस ब्रिज कैंप से भग के निकलना दिक्कतदायक बात होगी, मतलब नोक नोक बंदे पेल के ही जाने पड़ेंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, उन लोग को लगता है कि बस एक ही बंदा होता है ब्रिज पार, वो हमारे भाई की सीधा पेटी बनाते हैं और जून की तरफ निकल लेते हैं। लेकिन टेंशन मतलब यार, बदला पूरा पूरा लेंगे, ठीक है। बंदों पर भैया गुरोजा भी है, पता नहीं कौन कौन सी गन है। तो यहाँ पे पहले मैं गाड़ी रोकता हूँ, क्योंकि देखो गाड़ी की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, और ये लेके गया ना मैं तो मेरी पेटी बन सकती है। और हाँ भाई लोग, तुम्हारा भाई डेली रियो टीवी पे स्ट्रीम करता है रात के 9 बजे से, तो यार वहां पे फॉलो करना मत भूलना, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल ही टॉप में। तो आओ यार, और वहां पे गिव अवे भी डेली चलते रहते, तो फॉलो करना मत भूलना यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। खैर उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये लोग कहाँ पे बैठे पड़े हैं, अंदर जाके हीलिंग कर रहे होते हैं ये लोग। ले भाई, ठीक है, 4v1 कर लो, करना पड़ेगा खेल। और यार मैं यहाँ पे एक चीज ये देख लेता हूँ कि वो जो बंदे हैं ना, वो पूरी चौड़ में खेल ले, मतलब क्यों नहीं खेलेंगे यार, पूरे 3 बंदे जिंदा है, क्योंकि यार एक की मैंने ब्रिज पे ही पेटी बना दी थी, तो हाँ उसके बाद भी वो फुल चौड़ में खेल ले। और ऐसी मेरी डैमेज गाड़ी थी, पूरा धुआं निकल रहा था पहले से ही, उसके ऊपर से एक यहाँ पे बंदा सांप बना होता है, वो भी गुरोजा लेके। तो मैं बोलता हूँ भैया हमें माफ करो, हमसे ना हो पाएगा, मतलब यार अभी बड़ी मुश्किल से बचा हूँ, अब सांप से ठिल जाऊंगा तो दुख बहुत होगा। तो मैं वहां से बग्गी लेता हूँ और इस साइड को निकल लेता हूँ, और ये लोग यही बगल में फ्लेयर वगैरह चला रहे होते हैं, और वो भी तिरछी फ्लेयर, है ना, मतलब बर्बाद कर दिया फ्लेयर को। वैसे मैं भी यही करता हूं, लेकिन यार पूरे चौड़ में बंदे और उस गुरोजा वाले को मारने जा रहे हैं ये लोग। M4 के बाजार और अब देखो यहाँ पे मुझे अच्छे से पता होता है कि भैया अगर मैंने बदतमीजी की ना यहाँ गेम में, तो मेरी अंधा पेटी बनेगी, सीधा पेटी बनेगी, क्योंकि देखो वो लोग कितना घूम घूम के पेल रहे हैं, ठीक है। मेरे सामने वो 3-4 बंदे ठिला चुके, मेरे टीममेट को ठिलाया, ब्रिज के बगल पे जो सांप बना था उसे ठिलाया, और अब इस गुरोजा वाले को भी ठिला दिया। तो यहाँ पे मेरी फटी पड़ी होती है यार, डर लग रहा होता है कि यार कहीं अगली बारी मेरी ना हो। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होता है, बस एक बंदे की पेटी बनानी होती है, ताकि यार थोड़ा चांस हो मेरे पे कुछ उखाड़ने का। और यार मतलब चौड़ देख रहे हो इन बंदों की, ठीक है, मतलब यार ठीक है यार, तुम लोग 3 अलाइव हो, एक ही बंदा बाकी है, लेकिन ऐसे हलवे में तो मतलब उसे अंधा वगैरह भाई, एक बंदा इधर है, दूसरा बंदा न जाने कहाँ है, तीसरे के तो भैया कुछ पता ही नहीं है, कहीं दिख ही नहीं रहा है वो। तो देखो एक की पेटी बन गई, अब थोड़ी सी आसानी होगी मुझे, है ना। और जहां तक मुझे पता है ये लोग उधर ही के साइड भग रहे थे, और वहां पे जोन भैया आ चुके हैं, तो मैं भी जोन में नहीं हूँ, वो लोग भी जोन में नहीं है, उनका एक बंदा जोन में नहीं है, लेकिन देखो जो पहले भगेगा ना जोन की तरफ, उसकी पेटी बनेगी पक्का। तो मैं तो ढीठ हूं यार, मैं तो यहीं बैठा रहता हूं बिल्कुल। और हाँ आखिरी बंदा भी मिल जाता है, टावर पे चढ़े बैठे भाई। तो देखो दिक्कत मुझे होगी उसे पेलने में, लेकिन जुगाड़ लगा नहीं पड़ेंगे। बढ़िया हुआ, पड़ी उसकी नेट, उसने की जगह। और यहाँ पे दोबारा से नेट फटने की आवाज नहीं आई, ठीक है, सिर्फ रिकॉर्डिंग में, क्योंकि जब मैं खेल रहा था ना यार, मेरे बगल में ही नेट फटा था राइट साइड, लेकिन बच गया मैं इस बार। और चलो नेट वगैरह तो ठीक है यार, वो हलवे की तरह नेट कर सकता है, वहां से वो मुझे किसी भी सेकंड पेल सकता है नेट से। और यार भाई जिस हिसाब से कर रहा था भाई, मुझे लग रहा है भाई के नेट भी महंगे होंगे। तो देखो एक हेडशॉट में दे ही चुका था, लेकिन आपको पता है यार लेवल 3 के हेलमेट और तुम्हारे भाई की अलग ही लेवल की दुश्मनी है ना, मतलब जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना बंदा ठिलने की, तभी भैया लेवल 3 का हेलमेट होगा उनपे। यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत थी मुझे, क्योंकि देखो मैं जोन में नहीं हूं, है ना, और वो बंदा इतने ऊपर बैठा है, वो कभी भी हलवे की तरह पेल सकता है मुझे बिल्कुल मजाक में। लेकिन देखो तुम्हारा भाई ढीठ है, तो यार फाइट बगैर करे तो मानेगा नहीं, भले पेटी रास्ते में बने लेकिन भगूंगा जरूर मैं उसकी तरफ। तो यहाँ पे मैं वही करता हूं। आगे।
ओपी भाई। और इस मैच से मुझे सिर्फ एक ही सीख मिलती है कि यार ज्यादा चौड़ में रहना हानिकारक हो सकता है कभी कभी। ठीक है, मतलब इन बंदों की चौड़ देखो, पूरी लॉबी इन्होंने जहां तक मुझे पता है घूम घूम के खाली की होगी, है ना। मतलब इधर घूम रहे उधर घूम रहे भैया, इधर उधर हर जगह पेटी बना रखी है। ठीक है, मेरे सामने भैया उस ग्रोजा वाले की पेटी बनाई, मतलब दिखा नहीं लेकिन यार गोली दबा के चलाई गई थी उधर। तो आखिर तक ये पूरे चौड़ में थे, मतलब भाई बंदा ऊपर से नीचे कूद गया। ठीक है भाई, को कोई चिंता ही नहीं है कि मुझे डैमेज होगा कूदने से, भैया पेटी बन जाएगी, नहीं भाई। और भाई ने नीचे उतरते ही सांप बनने वाला बटन दबा दिया। अगर बोला जाए तो भाई ने ड्रॉप शॉट दिया जो कि काफी सही था, लेकिन किस्मत काम करी और भाई की पेटी बन गई। किस्मत क्या यार, उस भाई की चौड़ मेरे काम आई। मतलब अगर वो नहीं कूदता वहां से, तमीज से आता तो शायद वो मुझे पेल देता, मेरी हेल्थ बहुत कम थी। तो भाई वहां से कूदे और डैमेज लिया और मैंने पेटी बना दी उनकी। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। देखो यहाँ पे इस पूरी टीम को 1v3 कर पाया मैं, वो भी आखिर के सर्कल में जून के बाहर रस करके। ठीक है, मतलब दो बंदों को भैया चुपचाप से पेल दिया था, लेकिन हाँ यार मजा टैप आ गया। अब देखो ये पूरे चौड़ में नहीं खेलते, ये खेलते संभल के साथ रह के, तो मेरे जीतने के चांस बहुत ही कम हो जाते। मतलब यार पूरी लॉबी को घूम घूम के पहला यार मुझे भी पेल देते ये लोग, लेकिन इन्होंने बोला भैया आखिरी बंदा है हलवा है और अलग अलग हो गए तो यार पेटी बन गई। तो हाँ यार देखो, अगर आप किसी को भी हलवे में लेते हो और वो क्लच कर जाए तो यार दुख बहुत हुआ होगा इनका, इनको दर्द हो रहा होगा दिल पे कि भाई ये कैसे हो गया। जीता हुआ मैं जब हार जाते हैं ना यार, बहुत दुख होता है। मतलब यार मुंह के सामने से खाना ले गए ऐसी ऐसी फीलिंग टैप आ जाती है। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते लाइक पेलना मत भूलना, वीडियो पे नीला टैप कर दो बिल्कुल ही। और यार गलत सीन करने के बाद हाथ धोना मत भूलना, और गलत सीन नहीं करते हो तो भी हाथ धोना मत भूलना यार, गलत सीन हो रहे दुनिया में हाथ धो लेना। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सब्सक्राइब और भी ऐसे गलत सीन और सस्ती कमेंट्री के लिए। और हाँ यार अगर आपको उस चीज का शौक है तो उस ऐप को चेकआउट करना मत भूलना, एक एक्स बैट, उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। तो कल मिलते हैं भाई लोग यार, बाय बाय।